दोस्तों आज हम बात करेंगे हेनरी जेम्स की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी पेस्ट की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हेनरी जेम्स इंग्लिश के बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हुए हैं। जेम्स का जन्म वॉशिंगटन प्लेस न्यूयॉर्क में 15 अप्रैल 1843 में इनका जन्म हुआ था। अगर जो हम इनकी कहानियों की बात करें तो इन्होंने एक से एक फेमस स्टोरी लिखी हुई है, जिनमें से प्रमुख हैं अ ट्रेजेडी ऑफ एरर, अ पैशनेट पिलग्रिम, डेजी मिलर, द लेसन ऑफ द मास्टर, द पीपल, द फिगर इन द कारपेट, द बीस्ट इन द जंगल, द इंटरनेशनल एपिसोड, पिक्चर एंड टेक्स्ट, द फाइनर ग्रेन, द आउटक्राई और ऑब्वियसली पेस्ट। ये कहानियाँ जेम्स की लिखी हुई शॉर्ट फेमस स्टोरीज हैं। और अगर जो हम बात करें आज पेस्ट की, तो पेस्ट जो कहानी है ये 5800 वर्ड्स की स्टोरी है। जो ये कहानी है ये 5800 शब्द हैं इस कहानी में, जो कि हेनरी जेम्स के द्वारा लिखी गई है। ये कहानी, ये स्टोरी पब्लिश कराई गई थी फ्रैंक लेस्लीज पॉपुलर मंथली में इन दिसंबर 1899 को। ये सबसे पहले इसमें पब्लिश हुई थी फ्रैंक लेस्लीज पॉपुलर मंथली में। इसके बाद जेम्स ने इसको इंक्लूड किया अपने कलेक्शन में द सॉफ्ट साइड में। ये भी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनता है कि जेम्स ने किस कलेक्शन में इसको इंक्लूड किया, तो द सॉफ्ट साइड में इसको इंक्लूड किया गया और इसको मैकमिलन पब्लिशर के द्वारा इन द सेम ईयर 1899 में इसको पब्लिश कराया गया। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टर्स की, जो इसके मुख्य किरदार हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर इसमें हमारा आता है वो है मिस्टर एंड मिसेस क्लेर्गीमैन। मिस्टर और मिसेस क्लेर्गीमैन का यहाँ पर जो नेम है वो दिया गया है, उनकी पहचान दी गई है। और ये जो कहानी है, कहानी में हमें ये बताया जाता है कि मिसेस क्लेर्गीमैन है ये अब जीवित नहीं है तो कौन? उनका एक सौतेला बेटा, उनका एक स्टेपसन जिसका नाम है आर्थर प्राइम। यहाँ पर कहानी में इनके बेटे के रूप में दिखाया जाता है, मिस्टर और मिसेस क्लेर्गीमैन के बेटे के रूप में आर्थर प्राइम को प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा फिर तीसरा मुख्य किरदार आता है शार्लोट का। शार्लोट जो है ये आर्थर प्राइम की कज़िन है। शार्लोट आर्थर प्राइम की कज़िन है। और इसके अलावा इसमें फोर्थ कैरेक्टर आता है मिसेस गाय का। मिसेस गाय जो हैं ये शार्लोट की फ्रेंड हैं। तो दोस्तों ये कैरेक्टर्स हैं मिस्टर एंड मिसेस क्लेर्गीमैन, आर्थर प्राइम, शार्लोट एंड मिसेस गाय, ये इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। तो आइए चलते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं, हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं जो हमारी कहानी है पेस्ट। ये जो कहानी है, इस कहानी की जो स्टार्टिंग होती है, इस कहानी की स्टार्टिंग तब होती है कि जब इनके जो मिस्टर और मिसेस क्लेर्गीमैन की मृत्यु हो चुकी है और यहाँ पर आर्थर प्राइम अपनी जो कज़िन है शार्लोट उससे बातें कर रहे होते हैं। इन दोनों के बीच में बातें चल रही होती हैं और वो जो आर्थर प्राइम है वो उसको दिखाना चाहते हैं कि उनके जो माता पिता रहे हैं मिस्टर और मिसेस क्लेर्गीमैन ने, कि उनके लिए विरासत में काफ़ी जो पुरानी चीज़ें थीं, कुछ एंटीक चीज़ें थीं जो उनके लिए वो छोड़कर गए हैं, उनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो वास्तव में बहुत अप्रिशिएबल थीं और बहुत देखने लायक जो वस्तुएँ थीं, उनको वो अपनी बहन शार्लोट को दिखाता है। और उस समय जो आर्थर प्राइम है वो ये भी चाहता है कि अपनी बहन शार्लोट को वो उस अनमोल वस्तुओं में से कुछ एक अनमोल तोहफा उसको उपहार में दे। तो तभी वहाँ पर उसको एक नकली आभूषण का एक डिब्बा वहाँ पर दिखाई पड़ता है और उसका जो वो डिब्बा है उस डिब्बे में रखा हुआ था एक मोती का हार, द प्रीशियस पर्ल नेकलेस वहाँ पर वो रखा हुआ था। और जो शार्लोट जब उस हार की तरफ देखती है तो शार्लोट को वो हार बहुत अच्छा लगता है। उसके मन में इच्छा होती है कि काश मेरे पास भी एक इसी प्रकार का नेकलेस हो और इसी प्रकार का एक पर्ल का जो नेकलेस अगर जो मुझे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। उसकी इस भावना को देखते हुए आर्थर प्राइम शार्लोट को ऑफर करता है कि वो उस हार को ले सकती है, ये उपहार के रूप में वो उसको भेंट में देगा। शार्लोट को वो भेंट में देने के लिए डिसाइड कर लेता है, लेकिन तभी शार्लोट वो ये कहती है, जब उसकी वो ब्यूटी को देखती है, उसकी तरफ आकर्षित होती है, तो शार्लोट को ये लगता है कि ये जो उपहार है वास्तव में बहुत महंगा होगा और ये एक असली हार है और
इसकी कीमत बाज़ार में बहुत ज़्यादा है, इतना महंगा गिफ्ट वो उससे नहीं ले सकती है, तो इसलिए वो उससे मना कर देती है कि नहीं, मुझे ऐसा कोई उपहार नहीं चाहिए, ऐसा कोई उपहार मुझे नहीं चाहिए। तभी वो उसको कहता है, अरे यार ये कोई महंगा उपहार नहीं है, ये बहुत सस्ता है, ये एक नकली है, ये एक पेस्ट मटेरियल से बना हुआ जो है ये उपहार है। पेस्ट का मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक ऐसा पदार्थ होता है पेस्ट, जो इसका टाइटल भी रखा गया है, जिससे जो ये कृत्रिम और नकली जो आभूषण है उसे तैयार किए जाते हैं। तो वो उसको यही बताता है कि ये पेस्टेड है, भाई इसको आप ले सकती हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब वो ये बात आर्थर प्राइम शार्लोट से कहता है तो शार्लोट को लगता है कि भाई वो सही कह रहा है और वो उसके गिफ्ट को स्वीकार कर लेती है और उसको लगता है कि ये मोती जो है नकली मोती से अलग ज़्यादा कुछ भी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उनको अपने पास रख लेती है और फिर वो अपने काम के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच में शार्लोट की मुलाकात मिसिस गाय से होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिसिस गाय जो है ये शार्लोट की फ्रेंड है और मिसिस गाय को एक पार्टी अटेंड करनी थी, एक फंक्शन में जाना था, तो मिसिस गाय वास्तव में बहुत सुंदर लग रही थी और वो शार्लोट से पूछती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे वस्त्र कैसे हैं। तो शार्लोट जवाब देती है कि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही हो। तो तब वो कहती है कि कुछ ऐसा अगर जो इसके ऊपर मेरे कपड़ों के ऊपर कुछ ऐसा चार्म, कुछ स्पेशल चीज़ आ जाए ना, तो पार्टी में एक जान आ जाएगी और मैं बहुत ही सुंदर दिखूँगी। तो वो तभी शार्लोट उसको वो जो हार उसको मिला था आर्थर प्राइम से वो मिसिस गाय को दिखाती है और मिसिस गाय से कहती, क्या आप इसको पहनना चाहेंगी। तो मिसिस गाय देखकर उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होती है, अचंभित होती है और मिसिस गाय उस हार को पहनने का निश्चय कर लेती हैं कि हाँ भाई मैं इस हार को ज़रूर पहन कर जाऊँगी। और मिसिस गाय उस हार को देखते हुए तारीफ करती हैं कि ये तो वही वास्तव में बहुत अच्छा एक अनमोल उपहार है जो तुम्हें आर्थर प्राइम से मिला है और ये तो असली मोती हैं। जब शार्लोट को ये पता चलता है कि ये असली मोती हैं तो वो फिर से वो हो जाती है, मतलब कंफ्यूज्ड हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझसे तो आर्थर प्राइम ने ऐसा नहीं कहा था, अगर जो ये असली हैं तो मैं इनको अपने पास नहीं रखूंगी। तभी वो अपने कज़िन आर्थर प्राइम के पास जाती है और आर्थर प्राइम को वो जो हार है वो लौटा देती है, ये कहकर कि मुझको वो हार, ये हार नहीं रखना है क्योंकि ये बहुत बेशकीमती है, ये बहुत कॉस्टली है और इतना महंगा उपहार मैं आपसे नहीं ले सकती। आर्थर प्राइम अभी भी उससे ये कहता है कि ये मैंने तुम्हें बताया था कि नकली मोतियों का बना हुआ हार है, इसमें असली कुछ भी नहीं है, तुम इसको रख सकती हो, तुम इसको अपने पास ले जा सकती हो। लेकिन जो शार्लोट है वो उसको लेने से मना कर देती है कि नहीं, मुझे ये हार नहीं चाहिए। और तभी जो आर्थर प्राइम है वो उस हार को अपने पास रख लेता है और वो ये उससे कहता है कि अब मुझे भी उस हार का कुछ नहीं करना, मैं इसको अब फेंक दूंगा, मेरे लिए अब ये वेस्ट है और ये वेस्ट में मेरे द्वारा ये फेंक दिया जाएगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और शार्लोट भी वहाँ से प्रस्थान कर लेती है। इसी बीच में एक दिन जो ये मोतियों का जो प्रीशियस हार है ये मिसिस गाय के पास शार्लोट को दिखाई देता है कि मिसिस गाय ने वो हार पहना हुआ था। तो शार्लोट उसको देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसको तो ये पता था कि आर्थर प्राइम ने इसको फेंक दिया है और अब ये उसके पास नहीं था। तो ये मिसिस गाय के पास कैसे आया, वह इस बारे में मिसिस गाय से बातें करती है। तो मिसिस गाय उसे बताती हैं कि ये जो हार है ये उन्होंने बाज़ार में एक शॉप से ख़रीदा है और जो शार्लोट है वो इस बात को पचा नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो बताती हैं कि ये जो उपहार है वो आर्थर प्राइम ने बाज़ार में बेच दिया था, एक दुकानदार को बेच दिया था और उससे मैंने ये खरीद लिया है। लेकिन बाद में शार्लोट को वास्तविकता पता चलती है कि ये आर्थर प्राइम से ही, जो मिसिस गाय ने आर्थर प्राइम से ही रिक्वेस्ट करके ये हार अपने पास लिया था, आर्थर प्राइम से ही उस हार को ख़रीदा था। अब बात ये आती है कि आर्थर प्राइम जो है शार्लोट को क्यों नहीं बताना चाहता, शार्लोट को क्यों नहीं बताना चाहता कि ये जो हार है कि ये असली हार है, ये वास्तव में रियल है, इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये सस्पेंस में था, पूरी कहानी में मिस्ट्री, एक सस्पेंस क्रिएट किया गया कि ऐसा क्यों है,
क्योंकि उसको लगता था कि अगर जो मैंने ये बता दिया, क्योंकि उसकी माँ एक कलाकार थी और उसको वो इतनी अमीर नहीं थी, वो गरीब दबके की एक महिला थी और शादी से पहले मिला हुआ ये उसका एक तोहफा उसके लिए हो सकता है, तो उसको लगता था कि कहीं ये उपहार उसको उसकी माँ को उसके प्रेमी के द्वारा तो नहीं दिया गया। और अगर जो ये बात पता चलती है तो वो अपमानित, खुद को अपमानित महसूस करेगा, तो उस लज्जा से, उस शर्म से बचने के लिए वो ये बताता है, वो ये कहता है कि ये जो हार है ये नकली हार है, और अंततः वह असली हार निकलता है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है, और ये जो हार है ये अंत जो लास्ट में है मिसेस गाय के पास ही रह जाता है। तो ये थी कहानी पेस्ट। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। ये कहानी जो है कई यूनिवर्सिटी में चल रही है, स्पेशली CCS यूनिवर्सिटी में BA फर्स्ट ईयर में ये कहानी लगी हुई है दोस्तों। और इसके अलावा भी आपको अपने लिटरेचर की तैयारी के पर्पज से भी इस कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब